सो हेलो एंड वेलकम गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं सुपर मार्केट से मिलेटर सामान मेरा सारा का सारा डिलीवर हो चुका है तो भाई मैं इसको लगा देता था वो रैक्स पे वापस ये मैंने लगा दिया पास्ता और भाई इंस्टेंटली इसको हम डस्टबिन में फेंक कराएँगे बिकॉज यही है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका बॉक्स उठाओ ओपन करो शेल्फ पे लगाओ और वापस डस्टबिन में इससे पहले कि आप सारे के सारे कार्टन को लाइक शॉप के अंदर लेकर आओ फिर ओपन करके लगाओ और फिर डस्टबिन में फेंकने जाओ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग वाला पार्ट हो जाता है अभी मैंने शॉप को कर दिया ओपन और भाई इससे पहले कि लाइक लो आना स्टार्ट हो जल्दी से सारा सामान लगा देना है और भाई सब सारे सामान के ऊपर मुझे प्राइस भी सेट करना होगा अगर मैंने प्राइस सेट नहीं किया तो मेरा सामान बहुत सस्ते में चला जाएगा ये अंकल के आते मैंने शॉप बंद कर दी और अंकल चिड़ गए बहुत ही ज़्यादा भाई अंकल गुस्से में थे कहते भाई मैं तेरी शॉप को ओपन देख कर आया था और आते के साथ तुमने जो क्लोज़ किया है ना मेरी पूरी फैमिली तेरी शॉप से कुछ सामान मिलेगी अब तो मैं कहा अंकल देखो जैसे ही राशन खत्म होगा ना तो ये सारी ऑफर ख़त्म हो जाएगी आप सामान लेने से यहीं आओगे बाकी बात बाद में करेंगे आपसे तो फिलहाल मैं लगा रहा हूँ सामान और मेरा सामान जैसे ही रेडी हो जाएगा ना मैं शॉप ओपन कर दूँगा और फिर देख रहे हो अंकल जैसे बहुत सारे और अंकल शॉपिंग करने आ ही जाएंगे तो उसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है अंकल को घबराने की जरूरत है क्या सामान कहाँ से आएगा ये एक लौती दुकान है इस मोहल्ले की भाई ये लास्ट हमारी काटन थी जो हमने डिस्प्ले कर दी है और इसी के साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर आ तो रहे हैं मैं इसको ओपन कर देता हूँ इससे पहले कि कुछ इशू हो भाई वो दोनों लोग चले गए मुझे प्राइस सेट करना है प्राइस सेट किए बिना मैं शॉप खोल दूँगा ना तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा भाई दस बज चुके हैं आठ बजे हमारी शॉप खुलनी थी पर दस बज चुके हैं हमने शॉप अभी तक खोली नहीं है प्राइस सेट करके भाई मैं इंस्टेंटली जैसी शॉप खोलूँ ना मज़ा ही आ जाएगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि भाई क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में और क्या नहीं चल रहा है इसका प्राइस मैं मार्केट प्राइस से थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ और देखता हूँ कि क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर भी क्या लोग सामान ख़रीदते हैं भाई अंकल फिर से आकर देख कर, कर दे भाई मैंने ऑन कर दिया है मैंने कहा अंकल आ जाओ शॉप खुली है अरे अंकल आ जाओ अरे गुस्सा मत हो अरे अंकल आ जाओ प्लीज़ आ जाओ यार भाई अंकल को उनके गेट तक बुलाने गया फिर वो नहीं है तो अब मेरा मन किया था लात मारने का पर लात तो मैंने नहीं मारी तो कहा भाई देखो अपनी अगर रखो मेरे पास और शॉप में जब शॉपिंग करनी है तो बाद में आ जाना अपने यहाँ तो भाई उनको छोड़ के मैं आ गया इधर शॉप मेरी ओपन और पहला ग्राहक आ चुका है ग्यारह चालीस पे और भाई देखते हैं कितनी क्या आज सेविंग होने वाली है कितनी क्या आज बिक्री होने वाली है भाई मैं ऊपर बिल्कुल जे डी बगी वा देख रहा हूँ पर सबसे अधिक ग्राहक आ गया था इसने दो आस्था के पैकेट लिए हैं और एग्जैक्ट चेंज दिया भाई थैंक यू सो मच मैडम आ चुकी हैं एक आटे का पैकेट लेने के लिए मु का थोड़ा सा बना हुआ है शायद किसी ने पीट पाट के भेजा हुआ वर्षा लेकिन भाई हमें क्या हमें मतलब अपनी सेव से थैंक यू सो मच आपने भी चीज़ अच्छे से दिया ये बिजनेस मैन अंकल आ गए ये उन जो अंकल छिड़के गए थे ना उनका बेटे लग रहा है बिकॉज ऐसा से ही कुछ है अब भाई पैसा इसके बाद बंदे का बहुत है जिसका प्राइस मैंने मार्केट प्राइस भी ज़्यादा रखा वो इसने ख़रीद लिया है तो भाई तू है मेरे लिए आज से अंबानी और भाई अंबानी का था तो क्या ही बताओ कैरी मराठी ने बता ही दिया था उसके बाद भाई ये स्वेटर वाले बंदे हैं इन्होंने उठाए हैं एग स्वेटर आपकी बहुत पुरानी सी लग रही है बट कोई नहीं है के पैसे हुए इतने और भाई ढाई डॉलर मुझे देने वापस ढाई डॉलर थे वापस और इनको क्या रवाना भाई उनको क्या रवाना और इनको मैं बोलूँगा दोबारा तो मताना भाई ये शर्ट ये पंद्रह सातवीं बार पहन के आ रहा है तेरे पास कोई शर्ट या टी शर्ट नहीं है क्या दूसरी हाँ भाई ऐसे कैसे चलेगा है मैं टी शर्टें रखना भी स्टार्ट कर दूँ तब तो खरीद के पहनेगा भाई इसने चार लिए हैं पास्ता के पैकेट और दो लिए हैं एक भाई अंडा पास्ता खाने वाले हो क्या आज भाई मेरा जो शॉप का है ना वो बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है अभी मैं सोच रहा हूँ इसको एक्सपेंड करने का और आप लोगों को अगर देखने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो कर देना लाइक और भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या पसंद आ रहा है और अगर कुछ ना पसंद आ रहा है तो भाई वो भी ज़रूर बताना मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी कि मैं क्या ठीक नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन भाई मुझे ना इसके साथ साथ ये फीडबैक भी आप लोगों से चाहिए कि हम इस गेम में ना और ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि आप लोगों के हिसाब से होना चाहिए बट मैं नहीं कर रहा हूँ तो अगर आप लोगों ने गेम खेला है तो प्लीज़ बताना कि आप लोग किस लेवल तक गए थे और भाई इस आंटी ने दिया है दस डॉलर पाँच डॉलर के बिल के लिए पाँच डॉलर का चेंज बनता है पाँच डॉलर चेंज देगा इनको मैंने गरीब घर गर भेज दिया है ये अंकल का बेटा फिर से आ गया जिसको मैंने छाने के लिए बोल दिया था वो खुद नहीं आ रहे हैं वो गुस्से के मारे पर बेटे को भेजे जा रहे हैं तो सामान लेकर आता रहे है थर्टी सैन इनका चेंज बनता है मगर तो पचास लीजिए कोई बात नहीं ये आंटी फिर से आ गई हैं जिनको मैंने सामान दिया था अभी थोड़ी देर पहले वो उनका अभी भी बना हुआ है मतलब अभी भी फिर से पीट के भेजा किसी ने कि तेरे को जो बोला था वो तो तू लेकर आई नहीं है बस घूम के आ गई है भाई इसने दो पैकेट उठाए महंगे वाले ये गुस्से में तो है घर वालों के पैसे भी ज़्यादा खर्च कराना चाहती है बट जिस प्रोडक्ट का प्राइस हमने मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा रखा हुआ है वो प्रोडक्ट हमारा सेल आउट हो रहा है सो इट्स वेरी गुड बहुत अच्छी बात है प्रॉफिट हमें अच्छा खासा आ रहा है ऊपर राइट साइड कॉर्नर में अगर आप देख पा रहे तो पाँच तो बजे का टाइम हो गया है और हमारे पास एक डॉलर अभी इन आ चुके हैं ये गेम भी हमने खेलना स्टार्ट किया था उस समय हमारे पास हंड्रेड डॉलर था और हंड्रेड डॉलर से हमने स्टार्ट किया था अभी ये दो ग्राहक स्टोर के अंदर हैं काफ़ी सारा सामान रैक के ऊपर है फिर मुझे लगता है कि हम इसी से ना काफ़ी कुछ बना लेंगे अभी तो हम सामान जो है वो कल ऑर्डर करेंगे फिर फिलहाल मैडम को देख के मेरी जो बिलिंग है वो गई काफ़ी स्लो और भाई इन्होंने दिया एग्जैक्ट चेंज तो भाई टाइम में इस मेरा हुआ ही नहीं तो मैंने फटाफट फड़ा -फड़ान रवाना किया पर फिर से कह रही है कुछ और उनका सामान छूट गया तो और सामान लेना चाहती है तो वो सामान देख रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा टाइम स्पेंड ज़्यादा नहीं हुआ था वो टाइम स्पेंड करना चाहती है फिर इनको देखिए फिर से मेरी बिलिंग हो गई थी स्लो पर फिर मैंने कम्प्लीट कर लिया ढाई डॉलर इस बार चेंज देना तो भाई पूरा टाइम स्पेंड हो रहा है ढाई डॉलर भी दिए जा रहे हैं फुल चैटें चल रही हैं अभी हाई दो इसने लिए हैं पास्ता के पैकेट पास्ता के नहीं वो मैक्रोनिक के पैकेट थे किसकी के पीछे पैसे आने चाहिए वन सेवेंटी डॉलर हो गए और छः पच्चीस चालीस मिनट का समय हो गया है भाई पीछे की तरफ़ स्विच है मुझे दबा देना चाहिए इससे पहले कि ग्राहकों को, को ये लगे भाई अंधेरे में काम चला रहा है इसका बिजली का बिल भरा नहीं गया पूरी तरह से तो ये आ गए हैं दो ब्रेड के पैकेट इसका बिलिंग करके जाता हूँ मैं लाइट जलाने के लिए भाई दो ब्रेड के पैकेट लिए मैंने चेंज किया एग्जैक्ट पैसे दिए थे वेरी गुड थैंक यू सो मच इनको मैंने देखिए रवाना और बोल दिया कि कल वापस आना तो इसने दिए दो आटे के पैकेट और एक अंडे का पैकेट पैसे दे है। पैसे ने तो रहा ये भाई इसने दिए हैं एक्स्ट्रा पैसे तो वन पॉइंट नाइन जीरो इसका चेंज बनता है वन पॉइंट नाइन जीरो देखकर मैंने इसको कर दिया रवाना और भाई इसको भी बोला कि कल दोबारा आना एक्स ले लिए और भाई एक्स लेने के बाद अब हम इस वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड बिकॉज हमारा जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोगों को पसंद नहीं आता है शायद तो आप लोगों की डिमांड के हिसाब से मैंने वीडियो भी छोटी बनाई है और भाई आप लोगों के फीडबैक्स का बहुत ज़्यादा सभी से इंतज़ार करूँगा मैं कमेंट करके ज़रूर पसंद कि क्या और कर सकते हैं हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपने घरवालों का आपको ध्यान और आप सबको राम राम